मध्य प्रदेश के बेटमा क्षेत्र में पिछले 2-4 दिनों से हो रही बारिश से जहां किसानों के चेहरे तो खिले पर भारी अव्यवस्थाएं भी सामने आई। क्षेत्र के गोहन गांव में भी शासन की ऐसी ही असुविधाएं देखने को मिली, जहां गोहन से खतेड़िया गांव के 5 किलोमीटर के रास्ते में 5 नाले आते हैं जिसे पार करना बेहद जानलेवा साबित होता है, लेकिन उन्हें जोखिम उठाकर पार करना गांव वालों की मजबूरी है क्योंकि बेटमा जाने के लिए यह सीधा व सरल मार्ग होता है। देपालपुर विधानसभा व बेटमा क्षेत्र की इस ग्राम पंचायत की यह समस्या काफ़ी पुरानी है, जिसके लिए सरपंच व क्षेत्रीय विधायक को कई बार बताया जा चुका है, लेकिन आश्वासन ही मिला है और आज भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसका खामियाजा ग्रामवासियों को उठाना पड़ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि पुल न होने की वजह से उनको अपने काम पर जाने में दिक्कतें होती है। उनका कहना है कि अगर यह पुल व रोड की समस्या का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो वे प्रदर्शन कर आगे शिकायत करेंगे। बेटमा से राजेंद्र बघेल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।